काफी ज्यादा बड़ा सा है तो इसको उठाने में काफी ज्यादा मशक्कत होता है। दोस्तों सुबह हो चुका है और दिन की शुरुआत हम नमाज के साथ करने वाले हैं। नमाज पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर से थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ेंगे और फिर फ्रेश होना है और जाकर ड्यूटी जाना है, नाश्ता वगैरह करना है। तो चलिए शुरू करते, सबसे पहले वजू बना के आके नमाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों अभी नमाज पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़ा कुरान शरीफ का तिलावत करना है और दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर नाश्ता करना है और अपनी ड्यूटी जाना है। दोस्तों सुबह तो हो चुका है, लगभग 8 बजे का टाइम होगा और यहाँ पे जो मेन शटर था इसको मैं खोल चुका हूँ, अब मैं इसको उठाने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा शटर है तो इसको उठाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब टाइम लगभग 8:30 के करीब करीब होगा और मैं रेडी हो चुका हूँ अपने स्कूल जाने के लिए, ड्यूटी को और ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ और मुझे नाश्ता करना है। रास्ते में नाश्ता भी जाके करूँगा, नाश्ता करने के बाद में स्कूल निकल जाऊँगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन सब लोग का आता था हमारे गांव में भी कि यार जब शटर वाले घर में रह जाता है तो इसके लिए टॉयलेट बाथरूम वगैरह है या नहीं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम है और रूम से इधर आएंगे तो इसके अंदर है टॉयलेट एंड बाथरूम। ये रहा बाथरूम और वो रहा टॉयलेट। तो यानी कि हर तरह का सुविधा यहाँ पे है जो आप रह सकते हैं। हम ये रहा अपना गाड़ी, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ स्कूल के लिए। अब ये कपड़ा जो है मुझे हटा देना है। दोस्तों जा रहे हैं नाश्ता करने, रास्ते में दोस्तों ऑयली फूड खाना सेहत के लिए सही नहीं है, पर फिर भी मजबूरी में रोटी नहीं मिल रहा तो वैसे में एक आलू चाप और एक बड़ा जो है हम खा रहे हैं। अब दोस्तों हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए, अब ग्लोव्स पहनना है और हेलमेट लगाना है। दोस्तों आप हमेशा जो है ड्राइव करते वक्त हेलमेट ज़रूर पहने। अब दोस्तों अब रास्ते का नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा मुझे ये कि दोनों रोड के साइड में काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों अब गाँव के रास्ते में आ चुका हूँ और बेहतरीन नज़ारा है और रास्ते का काम भी चल रहा है, तो आगे देख सकते हैं ए सी भी आ रहा है। इस साइड में भी रास्ता चौड़ा किया जा रहा है, इस साइड उधर रहेगा। फाइनली अब मैं अपने स्कूल में पहुंच चुका हूं। दोस्तों बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े में हैं और देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए मुझे। अब जो है यहां से अब अंदर जाना है। स्कूल का गेट इसलिए खुला है कि इसके अंदर जो है आंगनवाड़ी है, तो इसलिए स्कूल का गेट मेन गेट जो है खोला रखा गया। चलिए दोस्तों सबसे पहले यह ऑफ़िस रूम खोल देता हूँ। ऑफ़िस रूम यहाँ पे खोल चुका हूँ। ऑफ़िस रूम खोलने के बाद मैं अब यहाँ पे जो की है हमारा चाबी वगैरह है दूसरे क्लासरूम का, वो सब अभी निकाल के मैं खोलूँगा उसे, और साथ में जो ऑफिशियली जो रजिस्टर वगैरह है उसको मैं अभी निकालने वाला हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों रजिस्टर मैं अभी बॉक्स से निकाल दिया हूँ। इसमें जो रजिस्टर है ये वाला जो ये अपना है लेसन नोट है, जो टीचिंग क्या कब क्या पढ़ाए हैं वो पीरियड वाइज इसमें लिखा होता है, लिखना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है क्या क्या पढ़ाना है किस तरह पढ़ाना है। उसके बाद ये है स्टूडेंट रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर स्टूडेंट का, और ये हमारे टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर है जहाँ पे हम साइन करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों ताला वगैरह सब कुछ रूम का खोल चुका हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो रूम एक है जिसमें जाल रखा जाता है, लकड़ी रखा जाता है जो हम जिसकी में यूज करके हम खाना बनाते हैं स्कूल के लिए। तो अब दोस्तों सारा जो है क्लासरूम वगैरह सब कुछ खोल चुका हूँ, साफ़ सफाई तो कर दिया गया है। अब जो है प्रेयर का क्लास के लिए रेडी होना है और मैं आपको बाहर का नज़ारा लेके थोड़ा दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे स्कूल का एटमोसफियर काफ़ी ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा, बहुत सारा हम लोग ने गच लगाया हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, खासकर हमने फूलों का पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। और उस साइड में आप देख सकते हैं वहाँ आंगनवाड़ी है, तो इसलिए जो है गेट पहले से खुला हुआ था। अब यहाँ पे जो है हमारा किचन है स्कूल का,
यहाँ पे खाना बनता है। और ये है हमारा ट्यूबवेल, उस साइड में भी रूम है, और ये पीछे तरफ जो है किचन के वो है टॉयलेट बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी है। और वो इस तरफ जो है यहाँ पे हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग होस्टिंग का वीडियो शायद आपने देखा ही होगा। अब हमारा स्कूल का नज़ारा देखिए, एक लाइन में ये स्कूल है जिसमें दो क्लासरूम है और एक ऑफिस रूम है और एक छोटा सा रूम है जिसमें हम जाल रखते हैं। और इसके अपोजिट साइड में भी हमारा स्कूल का क्लासरूम है। और यहाँ पे किचन हमारा देखिए, यहाँ पे खाना बनता है, ऑलरेडी यहाँ पे पानी जो है भर लिया गया है। अब चलिए प्रेयर क्लास होगा, बता देते हैं प्रेयर का क्लास के लिए। अब प्रेयर के लिए बच्चों के लिए होते हैं, यहाँ पे सबको क्यू में खड़ा कर देना है और यहाँ पे प्रेयर स्टार्ट होने वाला है हमारा। स्टार्ट करो, बच्चे जो है प्रेयर करेंगे। प्रेयर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, सब लोग सारे बच्चे जो है प्रेयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे। तो यहाँ पे उड़ीसा का मैप लगा हुआ है और सारे डाटा स्कूल यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे कोट कहने का प्रोग्राम शुरू हुआ है, कोट कहेंगे सब बच्चे। वेरी गुड। अब तो कोर्ट का प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा, काउंटिंग शुरू किया जाएगा। बच्चों का अपने आप काउंटिंग करेंगे, इससे उनका गिनती जो है याद रहेगा उन्हें। गिनती का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बच्चे लोग अपने अपने क्लास में जा रहे हैं। अब जो है ऑफिशियली काम सब शुरू करना है, बहुत सारा काम होता है स्कूल में। आज जूनियर टीचर या फिर टीचर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। सबसे पहले अभी आना है, एंट्री करना है और यहाँ पे अटेंडेंस लेना है और क्लास करना है। तो चलिए जल्द से जल्द हम अटेंडेंस यहाँ पे ले लेते हैं, बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं। यहाँ पे 1-2 जो बच्चे हैं, लोग सारे बच्चों का अटेंडेंस लेना है मुझे अभी। हाँ, उसके बाद इनका क्लास स्टार्ट करना। तो यहाँ पे अटेंडेंस हम जल्द से जल्द ले लेते हैं। 1 कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, सब जो है मेंशन करना पड़ता है। 2 तो एक बात है कि इमीडिएट जो है एब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है 5-10 मिनट में बच्चा आ गए। वही बाहर करो, साहित्य वही बाहर करो, आनी दिया वही दिया। अब दोस्तों सीखने दिया, फर्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ाई तुम ऊपर ही छोटो बिलाड़िया पड़ी वा। तुम परी छोट पिलाटिए, छोट पिलाटिए, बाद में अपना अपना पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जो है यहाँ पे अटेंडेंस लेना है। और यहीं पे एक और काम आया गया है, यहाँ पे जो है वैसे तो काफ़ी सारा सब्जी वगैरह ऑलरेडी स्टॉक में होता है, पर कुछ सब्जी जो है इमीडिएट लाना होता है। जो आज जो है अंडे का पाली है, यानी कि आज जो है बट्टू को अंडा दिया जाएगा, तो इसलिए गिनती किया जा रहा है कितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं। तो उनका अभी जो नोट है उसमें लिखा जाएगा, इतना अंडा आएगा तो दुकान से फिर वहाँ से वो अंडा लाया जाएगा। तो इतने ही के बाद में एक और आंटी आ गई और उन्हें जो है चावल देना है मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए चावल दिया जाएगा। तो चावल जो है हमारा दूसरे वाले क्लासरूम में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में शुरू में भी देखा होगा। ये आगे हमारा एक और क्लासरूम है, टीचर की कमी की वजह से ये इसे बंद किया गया है। तो अभी नया पोस्टिंग होने ही वाला है, तो ये क्लासरूम जो हमारा यूटिलाइज में आ जाएगा। अब यहाँ पे राइस जो है हमारा ख़त्म होने के लगभग हो चुका है, अब 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा शायद, आज राइस आ जाए। ऑलरेडी हमने ऑर्डर दे दिया था कि राइस हमारा माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पे राइस यहाँ देने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट काम यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे आंटी जो है अपना राइस लेके जा रही हैं, बच्चों के खाना पकाया जाएगा उनका। और यहाँ पे इसको ताला डाल देना है फिर से,
और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है खाने का टाइम भी शुरू हो चुका, क्योंकि दोस्तों बीच का जो वीडियो है मैंने क्लास का था तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब अंडे का टाइम है तो यहाँ पे बच्चों को अंडे दिया जाता है, तो हमारे लिए भी खाने में दोस्तों जो है बच्चों के लिए जो होता है टीचर्स के लिए भी वही होता है, और जो है कुछ खाने का क्वालिटी जो है टीचर को चेक करना है, उसके बाद बच्चों को खाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेंसिटिव चीज़ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि चावल आज आ सकता है, तो वो चावल भी हमारे स्कूल का गाड़ी आ चुका है, अब वहाँ पर स्टॉक जो है वहाँ पर देखा जाएगा। अभी भैया जो है चावल ले लेके रख रहे हैं, अब मैं जाके स्टॉक चेक कर रहा हूँ, जितना बिल दिए हैं उतना चावल है या नहीं वो चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, चावल जो है बिल्कुल परफेक्ट है, अब राइस जितना आया है लगभग काफ़ी सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों वाल पे जो ये है मिड डे मील स्कीम का यहाँ पे वाल पेंटिंग किया गया है, क्या क्या कितना कैलोरी बच्चों को मिलता है खाने में, और एक बच्चे का जो प्राइस है 5.90 रुपये करके वो लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों अब यहीं पे हमें क्या करना है, MDM रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या क्या सामान वगैरह आया है, क्या खर्चा हुआ, सब लिखना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रजिस्टर में लिखा जाता है कितना बच्चे टोटल हैं, कितना स्टूडेंट जो है प्रेजेंट थे, और कितना चावल कंज्यूम हुआ है, कितना अभी समझ लीजिए आज अंडे का पाली था तो यहाँ पे अंडा 70 अंडा आया था, इसका कीमत वगैरह सारा डिटेल जो है ऑयल वगैरह कीमत फ्यूल सबका यहाँ पे डाटा लिखना पड़ता है। इसी तरह एक और रजिस्टर भी है जिसमें राइस के बारे में लिखा जाता है कि राइस कितना था, कितना कम के कितना हुआ है, तो आज ऑलरेडी जो है माइनस में चल रहा था राइस, पास से हमने बोरो करके लिया था, अब यहाँ पे यानी कि धार के हिसाब से लिया था, आज जो है लगभग 650 kg राइस हमारा आ चुका है, और जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो चुका है, क्योंकि जो भी माइनस था हमने बोरो करके लिया था साइड से आंगनवाड़ी से वगैरह से, तो उन लोग को दे देंगे उसके बाद हमारा काफ़ी सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बच्चों का खेलने का टाइम है, तो बाहर तो ऑलरेडी पानी वगैरह जो है कचरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए इंडोर गेम खेलना है। तो यहाँ पे एक पजल है एनिमल्स पजल, इसको मैं देने वाला हूँ बच्चों को, और साथ में बच्चों को बिजी रखकर मैं यहाँ पे काम करूँगा। नवोदय का जो फॉर्म वगैरह आया था, काफ़ी सारे बच्चे अपना डाटा डिटेल्स दिए हैं, वो सब मैं फिलअप किया हूँ, और कुछ बाकी रह गया वो मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे बच्चों को बिजी करने के लिए यहाँ पे पजल गेम दे दिया जाएगा, जैसे कि वो क्लास के अंदर रहें और आसानी से खेलें, आराम से खेलें सेफली। तो यहाँ पर दे दिया गया है, एक ग्रुप को यहाँ पर मैं दे दिया हूँ दो पजल हैं, और एक और ग्रुप को मैं पजल दे दिया हूँ, भी अपना काम शुरू कर चुके हैं, देखते हैं कौन सा ग्रुप पहले काम ख़त्म करता है। तो अब दोस्तों मैं आ गया हूँ दूसरे क्लास में, और यहाँ पे अभी ये बॉलिंग वाला गेम है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे दूसरे वीडियो में कहीं पर, काफ़ी अच्छा गेम होता है। अब ये गेम मैं बच्चों को खिलाने वाला हूँ, दिखाऊँ कैसे क्या खेला जाता है, शुरू करते हैं ये गेम। अब यहाँ पर दोस्तों अच्छा काफ़ी सारा कलर एक और रंग रची प्लास्टिक और रंग रहा, तो कलर के बारे में पूछ रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चे इसका जवाब दें बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे खेल शुरू करने वाले हैं हम लोग, खेल यहाँ पे शुरू हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल लग रहा है। दो स्टूडेंट को मैं अभी दे रहा हूँ बच्चे को, अब ये कैसे खेल रहे हैं देखते हैं दोस्तों। शुरू कर देंगे दोनों का, आपने दो गेम दे दिया गया है, अब ये इसमें तो सारा का सारा उठा दिया, अब ये विक्रम है खेल हो गया, काम नहीं कर पाया, जब तक उसको विक्रम मौका देंगे, तो दूसरे मौके में इसने 4 स्टिक जो है गिराए हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों मैं दूसरे क्लास में आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो है बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है, पजल को सॉल्व कर दिया है। अब दूसरे ग्रुप वाले अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनको डबल दिया गया है। अब खेलने के बाद में जैसे क्लास का टाइम होगा क्लास शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों क्लास ख़त्म हो चुका है, छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो अब दोस्तों यहाँ पर अभी काम है हमारा कि सारे घर को जो है क्लासरूम को ताला डालना है। अब दोस्तों एक बात बता दूँ कि एलिमेंट्री स्कूल में तो कोई प्योन कोई क्लर्क वगैरह नहीं होता है, टीचर को ही सब कुछ करना पड़ता है, आके स्कूल खोलना स्कूल बंद करना ये सारा काम जो है टीचर्स को ही करना पड़ता है, और सारे टीचर्स भी इस काम को बखूबी निभाते हैं, सब कुछ मैं ताला डाल देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑफिस रूम को भी मैं यहाँ पे ताला डाल के यहाँ से निकलने वाला हूँ। जूनियर टीचर का लाइफ जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, हम जब 6 साल के पहले जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन किए तो 7400 सैलरी था, IPM कट के 6512 मिल रहा था, यानी कि बहुत ही कम था। अभी अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, फिलहाल हम लोग का तो रेगुलर का टाइम हो चुका है 6 साल के करीब करीब हुआ अभी,
अब यहाँ बाहर का स्कूल का नज़ारा देखिए, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा नज़र आता है। अब यहाँ पे बाहर का गेट का ताला डालना है और यहाँ से निकलना है। दोस्तों अब हमारा 6 साल के करीब करीब हो चुका है, तो हमारा सैलरी जो है 20,000 हो चुका है। EPF कट के लगभग 18,000 समथिंग मिल रहा है। अभी जो नए टीचर का पोस्टिंग होने वाला है उनको लगभग 11,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, जो हमारे हिसाब से डबल मिल रहा है, क्योंकि पहले हमको 6,500 मिल रहा था। अभी दोस्तों जो पोस्टिंग होगा उसमें से हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि अभी हम दो टीचर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से स्कूल का सारा कुछ संभाल चुका हूँ, यहाँ से निकलने वाला हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 6 साल में यहाँ पे कंट्रैक्चुअल सिस्टम है, 3-3 साल में डिवाइड किया गया है। एक है जूनियर टीचर कंट्रैक्चुअल, तो यहाँ पे 3 साल आपको कंट्रैक्चुअल में काम करना है। 3 साल कंट्रैक्चुअल सर्टिफिकेट करने के बाद में आपको जो है जूनियर टीचर का अहदा दिया जाएगा, जिसमें सैलरी भी लगभग डबल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे 6,500 हमारा था, फिर बड़ा था। अभी 11,000 के आसपास आपको जूनियर टीचर कंट्रैक्चुअल पोस्ट में सैलरी मिलेगा। उसके बाद में जब आप 3 साल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद आपका सैलरी लगभग 20,000 हो जाएगा अभी के हिसाब से। और रेगुलर हो जाने के बाद में तो आपका सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी दोस्तों बात करते करते मैं अपने रूम के करीब करीब पहुँच गए हैं और शटर भी टेक चुका हूँ ऊपर। अब गाड़ी को ऊपर उठाना है, दूसरा काम सब शुरू करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, रेगुलर हो जाने के बाद में सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर रेगुलर जब तक नहीं हुआ, तब तक का जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी तरह यहाँ पे शटर में रहना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि मजबूरी में शटर में रह रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा रूम भी मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले से रह रहा था, इसलिए यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। दोस्तों असर का वक्त हो चुका है, तो अब मैं स्कूल से आगे पहुँच गया रूम में। तो अब जो है असर का नमाज पढ़ना है और फिर थोड़ा सा बाहर इधर उधर टहल लेंगे, फिर जो है मगरिब का वक्त होगा, मगरिब का नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले अशर का नमाज़ पढ़ लेते हैं। दोस्तों नमाज़ पढ़ चुके हैं, अब बाहर निकल रहे हैं। पानी भी मुझे लाना है, क्योंकि सुबह के वक्त तो मैं पानी पहले से ही ले चुका था पेट्रोल पंप से, काफ़ी अच्छा पानी था। अब यहाँ पे लाइन से पानी लेना है, और किस तरह पानी लिया जाता है आपको दिखाता हूँ। तब आप घर से अलग रहते हैं ना, तो आपको काफ़ी सारे मायनों में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टैप के पास, पानी लेना है मुझे। ये टैप टूट गया था, अभी लगाया गया है नया नया टैप इसमें फिर से। तो ये जो देख सकते हैं सोलर पैनल है, सोलर पैनल जो है उसी की मदद से पानी में पानी जो है टंकी में जाता है। ट्यूबवेल ऑलरेडी यहाँ से पहले था, सोलर से ही यहाँ पे पानी जो है टंकी में जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑल ओवर कॉलेज लिखा हुआ है, जो वहाँ पे टेंट लगा हुआ है उसके अंदर जो है ऑल ओवर का जूनियर कॉलेज है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है मगरिब का नमाज़ पढ़ने का। दोस्तों मच्छरों से बचने के लिए मच्छरबत्ती लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मच्छर अगरबत्ती अब ये मैं चला चुका हूँ, क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। टेक के ले जाएंगे आपको, उठा के ले जाएंगे मच्छर। दोस्तों अब चल रहे हैं खाना लगे जा रहे हैं, तो दोस्तों खाना जो मैंने लेके आया है, तड़का लाया हूँ, सादा तड़का है। और ये है लच्छा पराठा, देख सकते हैं। अब इसको ही खाना पड़ेगा। अब बात करें कीमत की, तो लच्छा पराठा 10 रुपये का आता है और तड़का लगभग 30 रुपीज़ का आता है हाफ प्लेट। चलिए शुरू करते हैं खाना। और खाने के पहले का दुआ जो है आप लोग को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने के दुआ पढ़ने के बाद में ही खाना शुरू करना चाहिए। अच्छा है टेस्ट। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है सोने के लिए, तो यहाँ पे बिस्तर, यहाँ पे भी चटाई पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे कम्बल है ब्लैक वाला ब्लैंकेट, इसको नीचे डालना है और उसमें एक ब्लैंकेट डालना है, उसके बाद सोना। तो मेन शटर जो है घर का, यहाँ पे जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसका मेन शटर बंद कर दिया हूँ। और अभी जो है अब मेरे रूम को जा रहा हूँ, अंधेरा हो चुका है। तो रूम को जाने के बाद मैं सोऊंगा, वक्त हो चुका है मेरा सोने का। अब यहाँ पे देखिए
मसरी वसरी तो डाल चुका हूँ, बस सोने की देरी है। अब यहाँ पे सोने वक्त ये वाला जो शटर है इसको भी, ये वाला जो शटर है इसको भी डाल देना है। तो ऐसा है ज़िंदगी कुछ जूनियर टीचर होने का, ऐसी बात नहीं है। तो आप, मैं यहाँ से काफ़ी दिनों से रहते आया हूँ ना, इसलिए तो यहाँ पे आदत हो गया है। जब सैलरी 6512 यानी 6512 था तब से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो अभी भी रह रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा जगह। तो बहुत सारा सवाल अगर कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब जा रहे हैं सोने। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि सोने से पहले जो है आप आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह इख़लास पढ़ें, उसके बाद में इस्तग़फ़ार करके सो जाएं अल्लाह का नाम। और सोने का जो दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवहिया, वो ज़रूर पढ़ें। तो अब जा रहे हैं दोस्तों सोने के लिए। अब शटर भी डाल देना है, सोना है और सुबह जल्दी उठ के सुबह के नमाज के लिए तैयारी करना है। दोस्तों आज आपने एक दिन पूरा मेरे साथ में गुजारा है। वीडियो को काफ़ी कटिंग करके मैं किया हूँ, एक दिन में मैं क्या क्या किया हूँ बस मेन पॉइंट जो है आपको बता दिया हूँ, इस तरह की बताए। और जब मैं गांव जाऊँगा तो गांव में एक दिन कैसे गुजारता हूँ आपको जरूर बना के वीडियो में दिखाऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना ओपिनियन जो है कमेंट में ज़रूर बताएँ।